दोस्तों कैटरीना कैफ का बर्थडे सेलिब्रेशन तो आपको याद ही होगा, किस तरह से अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली यानी कि सनी कौशल और विकी कौशल के साथ मालदीव मनाया था कैटरीना कैफ ने अपना बर्थडे। लेकिन अब ऐसे में एक और रेवलेशन सामने आया है। दरअसल कैटरीना कैफ ने बताया है कि उस वेकेशन पे जाने से पहले किस तरह से विकी कौशल ने उनका बर्थडे बेहद खास बनाया था। ये किस्सा शेयर करते वक्त विकी कौशल की जमकर तारीफ करती हुई नजर आई हैं कैटरीना कैफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों कॉफी विद करण सीजन 7 के काउच पर पहुंची कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर, जहां इन तीनों ने बेहद मस्ती की। वहीं जब कैटरीना कैफ से पूछा गया कि अब तक विकी कौशल ने ऐसा आपके लिए क्या किया है जिसे आप कभी भूल नहीं सकती, तो इस पर कैटरीना कैफ ने जवाब दिया कि उन्होंने मेरे बर्थडे पर जो मुझे सरप्राइज दिया था वो बेहद खास था। दरअसल विकी मुझे खुश करना चाहते थे, मेरे फेस पर एक स्माइल लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल चीज़ की। और दोस्तों जब करण जौहर कैटरीना से पूछते हैं तो वो कहती हैं, एक्चुअली मेरे बर्थडे पर मैं उस वक्त अपने कोविड सिचुएशन से गुजर रही थी और उस वक्त मुझे काफ़ी चीज़ें थी जो नापसंद आती थी, तो ऐसे में विकी कौशल ने मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें कैटरीना कैफ बताती हैं कि विकी कौशल ने उनके लिए एक 45 मिनट का एक कॉन्सर्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, 45 मिनट जिसके अंदर सिर्फ कैटरीना के गाने ही बज रहे थे। उन सभी गानों पर विकी कौशल ने जमकर डांस किया था, जिसकी वजह से कैटरीना के चेहरे पर जो स्माइल आई थी, उस स्माइल के लिए विकी कौशल ने 45 मिनट तक ये कॉन्सर्ट जारी रखा था, जहाँ उनके फ्रेंड्स और काफ़ी सारे लोग थे। कैटरीना बताती हैं कि तकरीबन 17 से 18 लोगों के बीच विकी कौशल ने ये परफॉर्मेंस दी थी और वो भी सिर्फ मेरी एक स्माइल के लिए। इस चीज़ को मैं कभी नहीं भुला सकती। कैटरीना कहती हैं कि ये बिल्कुल अचानक हुआ था, मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी और अचानक हुआ, इसी वजह से मेरे चेहरे पर जो स्माइल आई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अलग थी और विकी कौशल ने सच में ये काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल चीज़ की थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों वहीं जब विकी कौशल की एक खास क्वालिटी के बारे में कैटरीना से पूछा जाता है तो कैटरीना कहती हैं कि विकी एक सेल्फ अश्योर्ड मैन है। दोस्तों कैटरीना का जवाब सुनने के बाद ईशान खट्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो वीडियोस वायरल की जाएं जिसमें विकी कौशल कैटरीना के गाने पर डांस कर रहे हैं। शीला की जवानी और चिकनी चमेली पर डांस करते हुए हम भी देखना चाहते हैं विकी कौशल को। दोस्तों इस बात पर कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा खिलखिलाकर हंसती हैं और वो कहती हैं कि ये तुमने सही कहा, वो सिर्फ मेरे गानों पर नाच नहीं रहे थे बल्कि वही वाइब और वही स्टेप्स के साथ उनका वो डांस काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। दोस्तों विकी कौशल और कैटरीना की केमिस्ट्री सुनकर ही हमें इतनी अच्छी लग रही है, तो जिसने देखी होगी वो तो कितनी ही शानदार होगी। दोस्तों वहीं जब कैटरीना कैफ से पूछा जाता है कि आपके फ़ोन में आपके हस्बैंड का नाम किस नाम से सेव है, तो कैटरीना कैफ काफ़ी प्यारे तरीके से कहती हैं कि उनके फ़ोन में विकी कौशल का नाम हस्बैंड नाम से उन्होंने सेव किया हुआ है, जिस पर ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी और करण जौहर का काफ़ी ज़्यादा प्यारा रिएक्शन आता है। दोस्तों कैटरीना कैफ ने काफ़ी ज़्यादा खुलकर कॉफ़ी विद करण के स्काउच पर बातें की हैं। अपनी डेटिंग लाइफ से लेकर अपनी लव स्टोरी तक हर चीज़ के बारे में खुलासे करती हुई कैटरीना कैफ यहाँ नजर आई हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।